ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके साथ हमारे साथ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उससे पहले भी मेयर पढ़ी थी, तो मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम किए गए हैं मेरे द्वारा, और जो भी बचा है अधूरा है उसे मैं पूरा करना चाहूँगी। अपील करना चाहूँगी कि 28 तारीख को जो चुनाव है उसमें मेरा वोट छाप है ईवीएम के 21 नंबर पे, भारी से भारी मतों से वोट छापे, बटन दबा कर किसे कह रहे हैं कि आप अच्छे लोगों को चुने और विभा कुमारी जी को 28 दिसंबर को वोट देकर के भारी मतों से विजय। नगर निगम परिवार का स्नेह कहिए, प्रेम कहिए, हम लोग आए थे यहाँ पे दो गाड़ी से और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई बाहरी लोग नहीं है, सब लोग नगर निगम के प्रतिष्ठित लोग, व्यवसायिक लोग, जो भी लोग हैं आप देख रहे हैं वो लोग अपने आप इनका जो स्नेह प्रेम है। और हम पहले भी कहे हैं कि जो हमको नगर निगम परिवार का स्नेह और प्रेम मिल रहा है, इस जन्म भर हम यदि सेवा करेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। हम अपील करना चाहेंगे कि 28 दिसंबर को जो आने वाला चुनाव है वो ईमानदार कर्मठ जो काम करने वाली जो विभा कुमारी जी है उनको भारी मतों से 21 नंबर पे वोट छाप पे बटन दबा के और भारी मतों से विजय बनाने का काम करे। और आपकी सेवा विभा कुमारी हमेशा की है और करती रहेगी, और आपका बेटा के रूप में, भाई के रूप में जितेंद्र सेवा किया है और हमेशा कारवा अपने आप बनते गया, क्योंकि इनका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो लोगों को पसंद आई। और मानवता के प्रति, क्योंकि जात पात से ऊपर उठकर विभा कुमारी जी ने अब तक जो अपना व्यक्तित्व दिखाया है उसी का निखारपन है कि लोग अपने आप जुड़ते गए और कार्रवाई बनता गया। हम लोग अपने सभी आदमी चल के आए हैं, हम सभी व्यवसायी हैं, गुलाबा व्यवसायी हैं, हम सभी चाहते हैं विभा कुमारी जीते ताकि पूर्णिया का पूरा विकास हो और जितने भी बुराई है सब दूर हो जाए। यह चुनाव पूर्णिया का जनता और पूर्णिया का विकास का है। हजार के संख्या में जितेंद्र यादव और विभा कुमारी रोड पर है, चुनाव निश्चित जीतेंगे। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहां आगामी 28 दिसंबर को वोटिंग होना है और 30 दिसंबर को मतगणना होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम उम्मीदवार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उम्मीदवार मतदाताओं से मिलकर अपना वोट सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जा रहा है। इस बार जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेगी। आज मेयर उम्मीदवार विभा कुमारी के द्वारा शहर के भट्टा बाजार में पैदल मार्च किया गया। इस दौरान उनके पति जितेंद्र यादव, शहर के व्यापारी गण और बड़ी संख्या समर्थक मौजूद थे। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों से मिलकर महापौर उम्मीदवार विभा कुमारी ने वोट देने की अपील भी की। मीडिया से बातचीत के क्रम में विभा कुमारी ने कहा कि उन्हें हर तबके के लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। लोगों का काफिला स्वतः उनके साथ जुड़ा है। उन्होंने भारी मतों से जीत की दावेदारी पेश की और लोगों से कोर्ट छाप पर वोट देने की अपील की। सबसे पहले तो मैं तमाम नगर निगम परिवार को मेरा प्रणाम, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी ही मिल रही है। हम लोग डोर टू डोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके साथ हमारे साथ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैंने उससे पहले भी मेयर पढ़ी थी, तो मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत सारे विकास के काम किए गए हैं मेरे द्वारा, और जो भी बचा है अधूरा है उसे मैं पूरा करना चाहूंगी। मैं अपील करना चाहूंगी कि 28 तारीख को जो चुनाव है उसमें मेरा वोट छाप है ईवीएम के 21 नंबर पे, भारी से भारी मतों से वोट छापे, बटन दबाकर विजयी बनावे। उन लोगों से मिल करके और हम लोग माने उनसे विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अच्छे लोगों को चुने और विभा कुमारी जी को 28 दिसंबर को वोट देकर के और भारी मतों से विजय बनावे बनाने का काम करें। ये नगर निगम परिवार का स्नेह कहिए, प्रेम कहिए, हम लोग आए थे यहाँ पे दो गाड़ी से और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई बाहरी लोग नहीं है, सब लोग नगर निगम के प्रतिष्ठित लोग, व्यवसायिक लोग, जो भी लोग हैं आप देख रहे हैं वो लोग अपने आप इनका जो स्नेह प्रेम है। और हम पहले भी कहे हैं कि जो हमको नगर निगम परिवार का स्नेह और प्रेम मिल रहा है, इस जन्म भर हम यदि सेवा करेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, पूरा नहीं किया जा सकता। ये पैदल ही हम लोग चले हैं, हम लोग डोर टू डोर आराम से कैंपेनिंग करते जा रहे थे, तो हमारे सारे जो नगर निगम परिवार के जो
व्यवसायिक भाई हैं या जो भी और युवा साथी हैं, सब लोग जुटते गए और आप देख रहे हैं पैदल ही चल रहे हैं। जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि 28 दिसंबर को जो आने वाला चुनाव है वो ईमानदार कर्मठ जो काम करने वाली जो विभा कुमारी जी है उनको भारी मतों से 21 नंबर पे कोट छाप पे बटन दबा के और भारी मतों से विजय बनाने का काम करे। और आपकी सेवा विभा कुमारी हमेशा की है और करती रहेगी और आपका बेटा के रूप में, भाई के रूप में जितेंद्र सेवा किया है और हमेशा खड़ा रहेगा। अकेला चलो से कारवा अपने आप बनते गया क्योंकि इनका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो लोगों को पसंद आई और मानवता के प्रति क्योंकि जात पात से ऊपर उठकर विभा कुमारी जी ने अब तक जो अपना व्यक्तित्व दिखाया है उसी का निखारपन है कि लोग अपने आप जुड़ते गए और कारवां यूं बनता गया। मैं मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा लोगों से, 28 तारीख बहुत जल्दी है और ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार इस धरा पर आम जनता के द्वारा एक मेयर कैंडिडेट को चुनने का मौका अवसर हमें मिला है। हम अपना वोट गंवाए नहीं, उसका सही यूटिलाइजेशन हो ताकि हम विभा कुमारी जी के रूप में पूर्णिया का विकास देख सके। हम लोग अपने सभी आदमी चल के आए हैं, हम सभी व्यवसायी हैं, गुलाबा व्यवसायी हैं, हम सभी चाहते हैं विभा कुमारी जीते ताकि पूर्णिया का पूरा विकास हो और जितने भी बुराई है सब दूर हो जाए, पूरा पूर्णिया स्वच्छ हो जाए। ये इनकी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, हर वर्ग के व्यवसायी ने निकल के चल पड़े हैं कि कोई अच्छा पूर्णिया बनाना है और सुंदर पूर्णिया बनाना है और विभा कुमारी को जिताना है। और हर व्यवसायी को ये उम्मीद है कि ये अपार मतों से, अपार इनको आशीर्वाद व्यवसायियों से मिल रहा है। हर वर्ग के व्यवसायी गुलाब बाग से लेके लाइन बाजार पूर्णिया तक के हर तबके व्यवसायी का इनको समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से इनको समर्थन मिल रहा है और ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, लोग खुद चल के हम लोग चल रहे हैं कि विभा कुमारी को जिताना है। बबलू चौधरी व्यवसायी। विभा कुमारी का नहीं है, यह चुनाव पूर्णिया का जनता और पूर्णिया का विकास का है। हजार के संख्या में जितेंद्र यादव और विभा कुमारी रोड पर है, चुनाव निश्चित जीतेंगे। कोई साथ में नहीं आए, हम लोग को इनका स्नेह है, हम लोग को नगर निगम से, यहाँ के हम लोग व्यवसायी है इसलिए हम लोग इनके साथ में, हम लोग देखे कि ये लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी इनके साथ में हो गए और हम लोग इनके साथ में है, एकदम रहेंगे, साथ में रहेंगे, सबको मिलके अपना वोट दिलवाना है और देंगे। क्या कहेंगे कि जो अपने अच्छे कैंडिडेट है उनको वोट दीजिए और हमारे लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट में यही है और कोई कैंडिडेट हम लोग को समझ में आ नहीं रहा तो क्योंकि हम लोग पहले से भी इनको जो है वोट देके देखे हुए हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।